श्वेता शुक्ला। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने अपने भतीजे और भांजे की मौत से गुस्सा कर कश्मीर में सेना से बदला लेने के लिए अफगानी आतंकवादी को कश्मीर भेजा है। कुछ दिनों पहले सेना ने मसूद अजहर के भतीजे उस्मान मौलाना और भांजे तलहा रशीद को एनकाउंटर में मार गिराया था। इसी बात का बदला लेने के लिए मसूद ने अब्दुल रशीद गाजी नाम के एक अफगानी आतंकी को कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए भेजा है। सूत्रों के माने तो इस बात का खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई मीटिंग में अफगानिस्तान के इस पुराने आतंकी को गंभीर खतरा बताया गया है। इंटरसेप्टर जासूसों से मिली जानकारी के अनुसार गाजी के साथ ही साथ जैश के दो आतंकवादी और भी कश्मीर में आए हैं। सुरक्षा मामलों के जानकारों की माने तो गाजी को भारत भेजने का मकसद मसूद अपने भांजे और भतीजे का बदला लेना चाहता है और गाजी का काम स्थानीय आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना होगा ताकि वो आगे चलकर सेना से बदला ले सके। गाजी इन नए लड़कों को हथियार छीनने की भी ट्रेनिंग देगा जिससे असलहों का भंडार बनाया जा सके। अगर खबरों और सेना की रिपोर्ट्स को देखें तो बीते कुछ महीनों से घाटी में सुरक्षा बल खूब एक्टिव है जिससे आतंकी संगठनों को आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का मौका नहीं मिल रहा है। जो भी लड़के आतंकी संगठनों से हाथ मिलाते हैं वो कुछ महीनों के अंदर सेना द्वारा मार दिए जाते हैं। इसलिए आतंकी बौखला गए हैं। अब देखना है कि सेना कब इस गाजी को उसके सही स्थान पर पहुंचाती है।